हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ रेशु और मैं आपका स्वागत करती हूँ अपने चैनल कुकिंग विद रेशु में। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ मैगी बनाने की रेसिपी। और इस रेसिपी से आप जो स्ट्रीट स्टाइल मसाला मैगी है उसे घर पर केवल 5 मिनट में बना सकते हैं। बहुत ही टेस्टी लगती है ये मसाला मैगी और बहुत ही आसानी से बन जाती है। तो चलिए शुरू करते हैं। मसाला मैगी बनाने के लिए ली है मैंने एक मीडियम साइज़ की प्याज, जिसे इस तरह लंबे लंबे पीसेज में और पतले पीसेज में कट कर लिया है। एक टमाटर बड़े साइज़ का बारीक कट किया हुआ। एक मीडियम साइज़ की शिमला मिर्च, जिसे इस तरह लंबे लंबे पीसेज में कट कर लिया है। 2 से 3 छोटे चम्मच ऑयल ज़्यादा नहीं लेना है। लाल मिर्च पाउडर 1/4 छोटी चम्मच। नमक लेना है 1/2 छोटी चम्मच। ये मैंने लिया है एक बड़ा वाला पैकेट मैगी का। ये पैकेट शायद 23 या 24 रुपए का आता है। सबसे पहले रखेंगे गैस पर एक पैन, और पैन के थोड़ा सा गर्म होने के बाद इसमें डालेंगे 2 से 3 छोटे चम्मच ऑयल। ऑयल को गर्म होने देंगे। ऑयल के गर्म होने के बाद अब इसमें डालेंगे कटा हुआ प्याज, और प्याज को हाई फ्लेम पर लगभग आधा मिनट के लिए सौटे करेंगे। प्याज को कलर चेंज होने तक नहीं भूनना है, हल्का सा केवल आधा मिनट के लिए ही इसको भूनेंगे हाई फ्लेम पर। प्याज को मैंने सौटे कर लिया है। अब इसमें डालेंगे कटा हुआ शिमला मिर्च, और शिमला मिर्च को भी लगभग आधा मिनट के लिए हाई फ्लेम पर सौटे करेंगे, जिससे कि जो हमारी प्याज और शिमला मिर्च है इनका जो टेस्ट है थोड़ा क्रंची आएगा मैगी में। शिमला मिर्च को भूनने के बाद अब इसमें डालूंगी मैं टमाटर, और टमाटर को हाई फ्लेम पर लगभग 1 मिनट के लिए फ्राई करूंगी, जिससे कि जो टमाटर हैं वो थोड़े सॉफ्ट हो जाएं, क्योंकि मेरे घर पर मैगी में टमाटर के पीसेस कोई नहीं खाता है, इसीलिए मैं इसे बिल्कुल सॉफ्ट होने तक पकाती हूँ टमाटर को। अब बस 1 मिनट के बाद इसमें डालेंगे पानी। मैं डाल रही हूँ अभी इसमें 3 कप पानी। अगर आपको थोड़ी ड्राई मैगी पसंद है तो आप इसमें 2 से 2.5 कप पानी डालें केवल। पानी को मिक्स करेंगे अच्छे से, और गैस की फ्लेम को अभी भी मैंने हाई रखा हुआ है। आप इसमें मटर भी ऐड कर सकते हैं, अपनी पसंद की वेजिटेबल्स इसमें ऐड कर सकते हैं। नमक डालेंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग। ये मैंने 1/2 छोटी चम्मच से थोड़ा कम नमक डाला है। लाल मिर्च पाउडर डाला है मैंने 1/4 छोटे चम्मच। अगर आपको थोड़ी सी और स्पाइसी बनानी है मैगी तो लाल मिर्च पाउडर थोड़ा और ऐड कर सकते हैं। और नमक डालते टाइम आप ध्यान रखें कि नमक टेस्ट मेकर में भी होता है, इसीलिए ज़्यादा नमक ना डालें। अब इसे हाई फ्लेम पर बॉयल होने देंगे। अभी ये पानी बॉयल होने लगा है, तो अब इसमें जो मैगी के अंदर टेस्ट मेकर निकलते हैं उनको डाल देंगे। ये 2 टेस्ट मेकर मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। मिक्स कर देंगे इनको थोड़ा सा। अब इसमें मैं डालूंगी मैगी इस तरह से। इसको पहले मैं 2 पीसेस में तोड़कर फिर डाल रही हूँ। आप चाहें तो ऐसे ही डाल सकते हैं इसको। अब हल्का सा मिक्स करेंगे। अभी इसे कुछ आधा मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे, जिससे कि बाद में इसे मिक्स करने में आसानी रहेगी। और गैस की फ्लेम को मैंने हाई टू मीडियम कर दिया है, और इसे केवल अब 2 मिनट के लिए पकाना है, और बीच बीच में मिक्स करते रहना है। बीच बीच में इसे आप मिक्स जरूर करते रहें। ऐसा करने से जो मैगी है वो इवनली पकती है। अभी 2 मिनट के बाद मैगी को मिक्स करेंगे, और ये मैगी बिल्कुल तैयार है सर्व करने के लिए। और मैंने इसमें केवल लाल मिर्च पाउडर और नमक ऐड किया है। आप चाहें तो इसमें और भी मसाले ऐड कर सकते हैं, जैसे कि गरम मसाला, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर। मुझे ज़्यादा मसाले मैगी में पसंद नहीं है, क्योंकि जो एक्चुअल फ्लेवर होता है मैगी का फिर वो कहीं खो जाता है, इसीलिए केवल मैंने मैगी मसाला और थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर ऐड किया है। बहुत ही टेस्टी बनी है, और आप चाहें तो इसमें सर्व करते टाइम थोड़ा सा चीज़ ग्रेट करके डाल सकते हैं, जिससे कि बिल्कुल स्ट्रीट स्टाइल जैसी आपकी मैगी बनेगी। तो अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रेसिपी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।